luck. सिंचाई विभाग द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए किसानों के संबंध में एक प्रतिवेदन दिया गया थाना श्रीनगर में कि 155 किसानों के खिलाफ अवैध तरीके से जो उर्मिल बांध की डूब क्षेत्र में खेती कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए, जिसमें बड़ी रोचक और मजेदार बात यह है कि वहां पर कम से कम उस लिस्ट में 8 से 10 किसान ऐसे पाए गए हैं जो कि आज से कई वर्षों पूर्व मृत हो गए हैं, लेकिन उनकी घोर लापरवाही ये है कि उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया। क्या लगता है मृत किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराएगा प्रशासन? देखिए, ये भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मुर्दों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं और मुर्दों के पुरखों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी है। जो संबंधित सोहन लाल साहू है, जो हमारे यहाँ सीजपाल थे, इनके खिलाफ हमने बाकायदा पुख्ता सबूत होने के प्रमाण दिए हैं कि ये भ्रष्टाचार में मतलब गले तक डूबे हुए हैं। इनके खिलाफ तत्काल में विभागीय घोर लापरवाही बरतते हुए कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, पदमुक्त किया जाए। उसी के चलते ये देश भाव और मतलब क्रोधित होकर के बदले की भावना के तहत ये मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं कि जिससे किसान भयभीत हो जाए और डर जाए, अपनी शिकायत वापस ले ले। लेकिन हमने आज थाना दिवस में खुले मंच से तहसीलदार, जो जांच कमेटी में थे तहसीलदार, चकबंदी सीओ, खुले मंच से कहा है कि हम इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह के भ्रष्टाचारी कर्मचारी अधिकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें इनके लिए सड़कों पर क्यों ना आना पड़े। क्या आश्वासन दिया गया आपका? है, हमारा प्रतिवेदन लिया गया है तहसीलदार के द्वारा कि आप प्रतिवेदन दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और ये जो घोर लापरवाही बरती गई है जो संबंधित अधिकारियों ने, इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, विभागीय कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है। जो जांच कमेटी गई थी, ये माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मिलके गई थी, इनको सारी वास्तविक स्थिति उन्होंने अवगत कराया था, तो डीएम साहब ने ये कहा था कि वहाँ पहुँचिए, जो भी स्थिति हो, जो भी घोर लापरवाही की गई हो, जो भी आप लोगों को सबूत मिल सके की गई थी और अधिकृत की गई थी, वहाँ से लेकर आज तक हमारे किसानों का लाखों का मुआवजा आज भी वंचित है और सिंचाई विभाग के पास डंप है। उस जो बचा हुआ मुआवजा वो अभी तक किसानों ने नहीं लिया है और ना ही प्रशासन ने उनको दिया है। इसलिए हम माननीय जिलाधिकारी महोदय और उत्तर प्रदेश के माननीय एसएफसी मुख्यमंत्री से भी ये दरख्वास्त करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हमारे किसानों का अहत ना होने दिया जाए। इसमें जो भी भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी हैं, चाहे वो निचले स्तर के हों, चाहे उच्च स्तर के हों, चाहे पूर्व के हों, चाहे वर्तमान के हों, इनके खिलाफ विभागीय घोर लापरवाही बरतने की, जो भी भ्रष्टाचार संलिप्तता है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। अन्यथा की स्थिति में, जैसे कि मैं पूर्व भी सोशल मीडिया पे मैसेज कर चुका हूँ माननीय जिलाधिकारी को, भाजपा जिलाध्यक्ष को और विधायक को, कि दीपावली के बाद मैं पिपरा माफ में ही ग्रामीणों और किसानों के साथ आमरण अनशन पर बैठूंगा, जब तक उससे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR नहीं होती है, पदमुक्त सेवा मुक्त नहीं होते हैं, हमारी मांग और हमारा अनशन जारी रहेगा। जो उर्मिल बांध का डूब क्षेत्र है, इसमें कुछ किसान खेती कर रहे हैं, जिसमें सिंचाई विभाग के द्वारा जो ये अवैध रूप से खेती कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा के लिए वो किया गया था, जिसमें कुछ किसानों द्वारा कहा गया कि इसमें से कुछ मृत है। इसके संबंध में अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया है कि उस सूची को पुनः से जांच कर लें, यदि ऐसा कुछ है तो पुनः सत्यापन कर लें, अन्यथा की दशा में
जो सूची भेजी गई है उसमें भी कार्रवाई करना किया जाएगा। क्या सर इन किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका था? नहीं, मुकदमा अभी तक कोई दर्ज नहीं हुआ है। कितने ऐसे किसान हैं सर जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है? इसमें सूचियां गांव वाइज डिफरेंट डिफरेंट है, उसमें किसी में 100 का है, किसी में कुछ है। एग्जैक्टली अभी मेरे पूरी सूचियां मेरे सामने नहीं आई हैं। एक दो गांव बताया जा रहा है कि 8-10 किसान ऐसे हैं जो कई सालों पहले उनकी मौत हो चुकी है, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। इसीलिए अधिशासी अभियंता जो बांध जो बांध करके हैं उनको निर्देशित किया गया है कि इन सूचियों का फिर से पुनः जांच कर लें एक बार को, तो उसके पश्चात ही सूची आगे भेजें। कैमरा यार सही से लॉक कर लो। सब लोग आओ ना इधर आ जाओ यार, ये चड्डी बनी है ऐसे उड़ा। देखो पहले